बस ये हमारा कच्चा रास्ता एंड हुआ। अब यहाँ से हमारा पक्का रास्ता होगा तकरीबन रैली तक सारा। ओ चाचा, ये बड़ा डेंजरस होता है कि आप बाइक पे जा रहे हैं और अचानक से गाड़ी के खिड़की खोल और सीधा धड़म, बड़ा डेंजरस होता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि सीधा ही एक्सीडेंट होता है। तो चोलिस्तान हमने देख लिया, डिटेल से देखूंगा मैं फिर जब आऊँगा और बॉर्डर तक एरिया देखूंगा। फ़िलहाल इतना ही। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से हम आगे जाएंगे बाज़ार से कुछ खाने पीने का सामान लेंगे। आगे जाएंगे कैंप सिटी, मतलब जहाँ पे जीप रैली है वहाँ पे कैंप सिटी की तरफ जाएंगे। वहाँ पे जो बाइकर्स के कैंप हैं वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके साथ कोई अपनी अच्छी सी जगह देख के कैंप लगाएंगे, अपना खाना बनाएंगे, रैली देखेंगे, लोगों को देखेंगे, शुगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वो देखेंगे और स्टे करेंगे वहाँ पे। सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये ड्राइवर की दीवार मुझे नज़र आ रही है, तो बस करीब ही हैं। लेकिन अब हमने लेफ़्ट साइड पर टर्न लेना है। यहाँ पे आया तो मुझे याद आया कि जब हम जा रहे थे तो उस वक्त भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी और ये सोचा था कि यहाँ पे रुकेंगे, तो उस वक्त टाइम नहीं था। तो अभी हम पर रुकते हैं। लाल हवेली का बोर्ड भी लगा हुआ है, शेख रशीद वाली है, पता नहीं कौन सी है। यहाँ से शुरू होगा मट्टी का तूफ़ान। तो मैं और ज़्यादा देर, असल में मुझे बोलने के लिए मुंह से मास्क उतारना पड़ता है माइक के लिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए उतार सकता हूँ, ज़्यादा नहीं। इसीलिए बस यहाँ पे सोमरो साहब का कैंप तलाश करते हैं और आपको ले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, शिक्षा खैरियत, तबीयत अच्छी है? खैर खैरियत। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या ठीक ठाक? खैर खैरियत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। यार मुझे ये चाहिए बेस माउंट फ्लिप का। आपका तो वो आपका भी फ्लिप है कि आपने माशाल्लाह। आपको कितने साल बाइकिंग में हुए? मुझे हो गए तकरीबन 56 साल। ज़बरदस्त। 1966 से मैं कर रहा हूँ, 66 to 77, फिर 77 में बाहर चला गया। अब 2012 में वापस आया हूँ। तो वही बाइक आप और राइड। तो आप ये अभी आप किसी ग्रुप के साथ हैं या सोलो? ज़बरदस्त। सबसे अस्सलाम वालेकुम। ये आपको मट्टी का तूफ़ान नज़र आ रहा होगा सारा। ये यहाँ पे रैली होती है सारी। ये कैंप सिटी है, पहले है, और वहाँ से वो सारा वो ट्रैक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि आपको लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, गाड़ियाँ और बाइक भगाते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक यानी मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती रहती है। तो अभी हम कोई कैंप की जगह तलाश करते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर आए हैं, हमारे कुछ सीनियर बाइकर्स हैं। ये ट्रैक है, उम्मीद है आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। इंतहाई ज़्यादा चल के देखते हैं। आ जाए यहाँ पे जितने भी लोग आपको आवाज़ें आ रही होंगी हर तरफ, ये लोगों ने शौक़ पूरा करने के लिए अपने बाइक्स की और गाड़ियों के साइलेंसर निकाले हुए हैं या बड़े लगाए हुए हैं स्पोर्ट्स वाले। तो वो ये बड़ी से खुली सी जगह है इस तरह, यानी ये मैदान टाइप है, बिल्कुल ये सहरा नहीं है ये जगह। तो वो इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, बस यही काम है सारा दिन। उसी वजह से ये सारी मट्टी हो गई है। कैंप लगाएंगे कहाँ से आते ही, पर ये देखें नामुमकिन है। अब आप वापस जा रहे हैं, वहाँ से बाइक अपने उठाते हैं और आगे कहीं जाके कैंप लगाते हैं और अपना सेटिंग करते हैं, रात खाने वगैरह बनाते हैं। सुबह सवेरे अर्ली उठकर सामान उठाकर फिर हम लोग वापस आ जाएंगे और रैली अटेंड करेंगे। तो ये बड़ा मुश्किल है। ये कैंप्स हैं इधर, हमारे बाइकर एक सीनियर है, उनके कैंप लगा हुआ है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कैंप लगा लें, लेकिन ये नहीं हो सकता, जाना ही होगा हमें। अब ये इतनी ज़्यादा कहना क्या चाहते हो, और ये पता नहीं कैमरे पे किस तरह नज़र आ रहा होगा, लेकिन मुझे खुद तो इतना ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इतना अंधेरा है नहीं इतना लग रहा है, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है और एक मुसलसल जो फ़िज़ा में धूल उड़ रही है वो नज़र आ रही है। और वो खड़ी है ना, उसे बैठने का टाइम ही नहीं, मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि बाइक्स आ जा रहे हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कहीं पे बीच में कोई वो था, तो कहाँ से है ये देखें, कोई समझ नहीं आ रही कि हम किधर जा रहे हैं, कौन किधर से आ रही है। देखें सामने से, ये बड़ा डेंजरस होता है, किसी को किसी का पता नहीं चलता और अचानक से धड़ाम की आवाज़ आती है। अब इससे ज़्यादा मुश्किल काम ये है कि इस मतलब इसके क्या इस पूरी जगह पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इस जगह पे हमने कैंप का कोई जगह तलाश करना है, बहरहाल ढूंढते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें मज़ीद टाइम लग जाएगा। अगर हम रोशनी में होते तो बड़ा बेहतर तरीके से ऐसे हम तलाश कर पाते। लगा यहाँ पे कुछ लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा सा कुछ नज़र आना शुरू हो चुका है। और ये क्या है, लेफ्ट साइड पर लेफ्ट कुछ है। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इनकी लेफ्ट साइड पे चलें, तलाश करके फिर आपको दिखाते हैं। वैसे बाकी लोगों ने भी कैंप्स लगाए होंगे इधर रोशनी। Flash the one. फिर से अस्सलामुअलैकुम। कैंप सिटी से निकले, जिस तरह मैंने आपको बताया था, फिरते फिराते इतनी ज़्यादा धूल में हम दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ऊपर से यूफोन के सिग्नल नहीं थे, हालत को ट्राई कर रहे थे, मेरा नहीं मिला। फिर हम लोग जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर इकट्ठे हो गए। फिर हम आए इस मकसद के लिए कि कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर इस तरह का शोर ना हो और तरह से रेगिस्तान के टीले और जो जंगल हैं वहाँ पर हर जगह पर जी कैंप लगे हुए हैं और बड़े बड़े शेल्टर्स लगे हुए हैं। पूरा मतलब जंगल में मंगल बना हुआ है। तो मुश्किल से हमें बस ऐसी ही किस्म की जगह मिली जहाँ पर हम लोगों ने कैंप्स लगा लिए हैं। और ये खालिद भाई आपको दिखाएंगे, बिल्कुल साथ कैंप सिटी है रैली का। ये आपको सामने लाइट्स नज़र आ रही होंगी सारे, और शायद कैमरे में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर गर्द का एक पूरा तूफान है। यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया है काफ़ी बेहतर जगह है, यानी कम से कम इतनी ज़्यादा गर्द नहीं है। लेकिन अभी तक लोग स्ट्रेस में है कि हम लोग भी रैली में हैं, तो इसलिए वो इधर उधर स्पीड से आ जा रहे हैं। तो अब्दुल माजिद भाई थके होते हैं, लेकिन हमारे लिए खाना बना रहे हैं, और मैं और खालिद भाई जाएंगे अभी पानी लेकर आएंगे और रोटियां लेकर आएंगे और भी जो कुछ काम हुआ वो भी लेकर आएंगे, और साथ साथ आपको भी अपडेट रखेंगे। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, मिलते हैं। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि यही बंदा हर वक्त कुकिंग कर रहा होता है। ये अल्लाह इनको खुश रखे, ये हमारी बहुत खिदमत करते हैं। मुझे कुकिंग आती नहीं है, और जब ये दोनों हों यानी खालिद भाई और माजिद, तो फिर माजिद को हम प्रेफर करते हैं। टेस्ट की वजह से नहीं, असल में वो माजिद बड़ा क्विक मतलब कोई भी चीज़ तैयार कर लेता है ना। खालिद भाई फिर ज़रा टाइम ज़्यादा लगाते हैं, और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि बस माजिद ठीक है। ये देखें लाइट्स का, ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। रात को तो आपको रोशनी देंगे, अलग बात है, लेकिन ये देखें ये सारा काम इन लाइट्स पे कल भी और आज भी इसी पर हो रहा है। और सुबह जब हम उठे थे तो मोटरसाइकिल को जब सेल्फ लगाते थे तो वो कहता था नाना मेरी माफी ठीक लगाओ। नहीं, असल में इस तरह हुआ कि वो पावर बैंक और मोबाइल और कैमरा सारे उसी बैटरी पे चार्ज हो रहे हैं मोटरसाइकिल की, तो अब उसका तो कसूर नहीं है। चलें भाई सामान ले आते हैं। खाना तैयार हो रहा है, लेकिन आज हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं। खाने के बाद ये बन रही है जी ग्रीन टी। माजिद भाई अलन को पूछ रखे हैं, ये देखें, इनकी वजह से हमें बड़ी आसानी हो जाती है। और ये कहते हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से काम करता हूँ, और खिदमत करना यानी मैं मोहब्बत से करता हूँ, ड्यूटी समझ कर नहीं। तो इनका बहुत मेहरबानी की। अभी ये पहली चाय है, ये ग्रीन टी है। अभी हम फिर बैठेंगे, गपशप करेंगे, तो उसके बाद फिर दूध वाली चाय भी बनाएंगे, गैस ख़त्म ना हो गई तो। रात का 1 बज रहा है जी, और अभी तक हम कंपटीशन में लगे हुए हैं। मैं आज अपने कैंप में सोने वाला हूँ, क्योंकि पिछली 2 रातों से इकट्ठा होने की वजह से मुझे नींद नहीं आई। लेकिन ठंड तो नहीं लगी ना, ठंड भी तो नहीं लगी, ये तो देखो ना। अब ठंड को मैं क्या करूं, नींद ना आए बंदे को। इमरान जमील साहब, आप क्या कहते हैं? हेलो, सबसे पहले हमने बहुत अच्छा खाना खाया पेट भर के, और गोश्त हम यहाँ से लाए थे, पता नहीं किस चीज़ का था, जो करीब 2.5 घंटे में भी गलने का नाम नहीं लिया उसने। हमने भी खा लिया, बार ग्रीन टी भी पी ली है और गपशप भी कर ली है। तो अभी हम नहीं, गपशप अभी पूरी नहीं हुई यार, कंटिन्यू हुआ है। अभी तो दूध वाली चाय पीनी है। हाँ, वो भी पीनी है, पी लेना फिर। मैं तो सो रहा हूँ। रैली तक पहुँचना है, रैली तक पहुँचना है, पहुंचे पे। तो मिलते हैं।